वर uh, मेरे बेटे आज जो हमने शुरू करना है आज हमने शुरू करना थी प्राइमरी क्वालिटेटिव मैथड्स हमारी जो लास्ट जितनी वीडियोस थी पाँच से छः वो सारा का सारा उसमें जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था क्वानिटेटिव मैथड्स के बारे में तो आज हम जो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जी प्राइमरी क्वालिटेटिव मैथड्स के बारे में इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड यानी फोकस इंटरव्यूज निकोल्स डिफाइन दिस मैटर as an informal interview not structured by a standard list of questions researchers are free to deal with the topic of interest in any order to phrase to phrase sorry to phrase their questions as they think the best semi structured interviews therefore allow a respondent to talk at length and in depth about a particular subject the focus or the topic of the interview is decided by the researcher the interview has a structure or interview schedule, the areas the interviewer wants to focus on, but there is no list of specific questions. Different respondents may be asked different questions on the same topic, depending on how the interview develops. The objective is to understand things from the respondent's point of view rather than make generalization about the behavior. Okay, son, topic, this page 67. प्राइमरी क्वालिटेटिव मैथड में जो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है सेमी स्ट्रक्चर्ड अब मेरे बेटे नाम से जाहिर है क्या हमने आपको याद है क्वालिटेटिव हमने क्वांटिटेटिव में क्या पढ़ा था हमने क्वांटिटेटिव में पढ़ा था कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं इसमें कौन से हैं इसमें सेमी स्ट्रक्चर्ड है सेमी स्ट्रक्चर्ड में दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो स्ट्रक्चर्ड में नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी है जो सेमी स्ट्रक्चर में है एक तो रेस्पॉन्डेंट के पास टाइम फ्रेम नहीं है उस तरह टाइम फ्रेम से मुराद आप एक क्वेश्चन का पाँच मिनट आंसर करना चाहें ड्यूरेशन के ऊपर कोई मसला नहीं एक चीज़ और दूसरे नंबर पर मेरे बेटे इसमें कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक हो सकते हैं ठीक है, है? यानी जो रिसर्चर है वो आपसे फॉर इंस्टेंस मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए जा रहा हूँ या मुझसे इंटरव्यू करना चाह रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्पेसिफिक होंगे ठीक है मेरे बेटे अब मेरी चॉइस है कि मैं इसका आंसर कैसे देता हूँ डिटेल में देना चाहता हूँ शॉर्टली देना चाहता हूँ लेंथ से देना चाहता हूँ

मेरे बेटे ये इसमें जो अभी हमने क्रक्स जो इसकी हमें समझ आई है सेमी स्ट्रक्चर की इसमें क्या चीज़ है कि टॉपिक की चॉइस होगी वो रिसर्चर की होगी एक चीज टॉपिक कौन सेलेक्ट करेगा रिसर्चर ऑब्वियसली वो रिसर्च कर रहा है टॉपिक उसकी मर्जी का होगा कुछ क्वेश्चन जो हैं वो भी रिसर्चर की मर्जी के होंगे मेरे बेटे को बात के लेकिन जो आंसर है वो रिस्पॉन्डेंट के ऊपर है हंड्रेड परसेंट उसके पास इस बात की फ्रीडम है कि वो किसी भी क्वेश्चन को कैसे आंसर करना चाहता है अब इस जो हम ये बात कर रहे हैं कि ये इंटरव्यू है इसकी आगे से टाइप्स में क्या आ जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन आर फ्रीक्वेंटली यूज इन सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज सम ऑफ दीज आर क्रिएटेड बिफोर द इंटरव्यू वाइल अदर राइज नेचुरली फ्रॉम वट एवर द रिस्पांडेंट वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट फॉर एग्जाम्पल इफ The interview focused on understanding family life. The interview might begin with a question like, tell me about your family. If the respondent then mentioned their children, the interviewer might decide to continue with the, continue with the with a question such as, tell me about your relationship with your children. Up uh, okay. I have a question. Okay. That, uh, that's not a, a formal that when, such an author, when respondent, tell about your family. Maybe it is, for, it is simple. I mean, there is, we need to draw a line. For example, I mean, it's not that much formal. You can say that. Yes, for instance, we are friends, but if we go in detail, sometimes we go in detail to ask something, this is a bit personal rather than a formal, right? A bit personal. For instance, I'm just meeting you for the very first time. So, I mean, it is not possible. I can simply ask you directly, tell me something about your family. So, it is not possible. Let me complete. The thing is that when you approach some person, see that it's semi structured. So, first of all, I need to talk to you that I'm going to take an interview. Are you ready for that? And after your acceptance, then I will decide if you accept my invitation. Yes, I'm ready to answer your questions. So obviously, then I have a sort of liberty to ask a couple of questions. For instance, you are ready. I just want to ask something about your family. You simply give me the permission, okay? Just go ahead, and I tell you whatever I'm doing. It's for the sake of a specific research. So I, I encourage you just, just open up your mind. Just tell me something about your family. So I am using you as a medium as a tool why because through your personality through your information i mean it is possible to solve certain problems which is not from your side rather than it is generalized i mean there might be so many families who are facing that problem so by your presence through your interview i can get the answer and it will give me a chance chance to 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 have a solution for those family who are the victims of certain issues one thing so uh, yes it is possible to say it's a formal interview but when you use the semi so it means it you can say it's like 50 50 percent right Certain question is asked by your permission, and when uh, the mode of the interview will be set before the interview, then I have the liberty. Okay, I'll, can I ask this, this, this question? And if you give me the permission, then we will decide for the interview. It is not possible that I simply switch to any, uh, to, uh, I will go to any street or a stadium or a ground and ask simply, let me know something about your family. It is not possible. So, semi structure means you are planning to structure something semi with your permission. So, this is what actually the semi structure is all about. Certain questions will be asked. I mean, you are requested first. Are you ready for the interview? If you give me the permission for that, then we will start the interview. And obviously, uh, there must be a connection, I mean, before the interview uh, for the researcher and the respondent, right? OK, the strength. What is the strength of this? As there are no specific questions prepared, no specific questions prepared, there is less risk of the researcher. Predetermining determining determining what will be discussed, where the respondent can talk about things that interest them. It is possible to pick up ideas and information that may not have occurred to the interview or of which they had no prior knowledge. This new knowledge can be used to inform subsequent interviews with different respondents and to suggest. फर्दर क्वेश्चन बेटर ब इसमें एक चीज अंडरस्टैंड करना बड़ी जरूरी है देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है मैंने आपसे अभी जो एक्सप्लेन भी किया वो मैंने क्या किया कि देखे आप एक टूल के तौर पे यूज़ हो रहे हैं ये जरूरी नहीं कि जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ आप किसी किस्म के उस चीज के या आप इफेक्ट हैं उस चीज़ के बल्कि मैं आपकी मदद से क्या करूंगा आप जो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे मिसाल के तौर पर जस्ट आपको एक समझाने के लिए कह रहा हूं देखिए आपकी आप एक शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं ठीक है आपका और आपकी बीवी का बहुत ज्यादा एज डिफरेंस है ठीक है अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आप क्या आप ये कंफर्टेबल आपके हाल में क्या होना चाहिए यानी मियाँ बीवी का कितना एज डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि आपका फॉर इंस्टेंस आपका आपकी मिसेस के साथ दस साल का फर्क है तो आप कंफर्टेबल है इस चीज में ठीक है तो आप जो मुझे आंसर करेंगे आप मुझे क्या बता आप कहेंगे कि इसके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं कि आप उसको गाइड कर सकते हैं समझाने में ईजी आपके लिए चीज़ें ऐसे हैं लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं कि ऑबियसली पॉसिबिलिटी uh, है कि वो बड़ी नाइव हो उसके पास इतना एक्सपीरियंस ना हो उसको इस बात का आइडिया ना हो कि रिलीजियस बेस पर उसने किस तरह अपने मियाँ uh, के साथ ले करके कर चलाएँ तो आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो ज़रूरी नहीं कि आप अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें ये बात समझ आ रही है हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपसे जो मुझे इफॉर्मेशन मिलेगी उसके बाद मैं जो नेक्स्ट किसी का इंटरव्यू लूंगा इसी टॉपिक के ऊपर तो मैं प्रिपेयर हूँ कि भाई मुझे चीज़ों को इस तरह से भी मैं लेकर के जा सकता हूँ तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा ये इसकी स्ट्रेंथ है कि भाई बेटे इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम उसको फर्दर यानी थोड़ा सा अमेंड करके किसी और रिस्पॉन्डेंट uh, से भी डील कर सकते हैं और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम वही क्वेश्चन जो है किसी और रिस्पॉन्डेंट के साथ कर सकते हैं हाँ ये है आपसे मैंने कुछ चीज़ें ली उनको सोचा देखा जब मैं नेक्स्ट किसी रिस्पॉन्डेंट की तरफ जा रहा हूँ तो मैं बात को पॉसिबिलिटी है कुछ एक्सेलरेट करके कुछ एमेंड करके ज़्यादा तेज़ी से उस क्वेश्चन पे पहुंचूंगा कि फॉर इंस्टेंस आपकी जो मैंने रिलेशनशिप के हिसाब से बात की है पॉसिबिलिटी है कि सिक्स टू सेवन क्वेश्चन के बाद मैं आपके पास आऊँ इस चीज़ के ऊपर अच्छा लेट मी नो समथिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर योर स्पाउस तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके इंफॉर्मेशन से नेक्स्ट मैं किसी रिस्पॉन्ड की तरफ जाऊंगा तो आफ्टर थ्री टू फोर क्वेश्चन मैं डायरेक्टली उसके ऊपर भी आ सकता हूं क्योंकि मुझे आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल पर हेजिटेशन फील हो सकती है रिस्पांडेंट के हिसाब से ठीक है ये मैं आपको स्ट्रेंथ बता रहा हूं कि इसमें यह स्ट्रेंथ है इसकी एक और स्ट्रेंथ भी है बाय अलॉइंग रिस्पॉन्डेंट टू डिवेलप द आइडियाज द रिसर्चर ट्राइज टू डिस्कवर वॉट सम वन रियली मीन्स थिंग्स Our believe the focus on the issue that the respondent consider important result in a much greater depth of information this may increase the validity of the data as it is more likely that the research will achieve its real aim ote this reference that he suggests that freedom for the respondent to answer how they wish is important in giving them a feeling of control in the interview situation. With limits, face to face interaction allows the researcher to help and guide respondent to explain, to rephrase, or clarify a question or answer, for example, may improve overall validity. I will wrap up because Friday prayer is about to start. विद इन मिनट्स मेरे बेटा वो क्या कह रहे हैं इसमें वो कह रहे हैं कि एक बड़ी जबरदस्त चीज़ है वो ये क्या है इसमें इसकी एक और एडवांटेज क्या है मैं आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ अब मैं आपको साथ साथ गाइड भी करूँगा कि आप कुछ भी मेरे से बात कर रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा आपका आंसर सुनने के बाद आपको थोड़ा सा रीफ्रेस करूँगा या मैं कहूँगा आपको मेरा क्वेश्चन शायद समझ नहीं आया जो मेरा क्वेश्चन का परसपेक्टिव था वे था तो आप काइंडली मुझे इसके हिसाब से आंसर करें तो इसकी एक स्ट्रेंथ ये भी है कि जो रिसर्चर है वो किसी हद तक किसी हद तक रिफ्रेस कर सकता है गाइड कर सकते हैं है अपने रिस्पॉन्डेंट को हाँ यह बात कंफर्म है कि रिस्पॉन्डेंट के पास एक लिबर्टी है उसके पास, कि भाई वो जो करना है, वो कर सकता है, है तो ये इसके बेनिफिट है राइट क्वेश्चन अबाउट रेलोवेंट क्वेश्चन अपॉर्चुनिटीज इट आल्सो रिक्वायर्स स्किल फ्रॉम द रिस्पोंडेंट एंड इन आर्टिकुलेट रिस्पोंडेंट विल प्रोबेबली Be unable to talk openly and in detail about the research topic. Oite also argued that open ended questions can cause confusion either because of the lack of understanding of the question. Are by the lack of understanding of the respondent answer. Semi-structured interviews are not only more time consuming than questionnaire, but the large amount of information they produce must also be analyzed and interpreted. This data is really tightly focused on a particular topic, so a researcher may spend a lot of time analyzing data that has little or no use to the study. Maybe full stop. The ethical problem is the idea that all interviews are reconstructions a respondent must remember and recount past events, and this creates problem for both researcher and respondent while a researcher has no way of knowing if someone is telling the truth our further problem is imperfect recall it cannot only be difficult to remember things that may have happened months or years ago but memories can also be selective respondent only recall those things that seems important to them finally semi-structured interviews lack standardization the same questions are not necessarily put to all respondents, and similar questions may be phrased differently can reduce the reliability of the idea and make it difficult to generalize the research <laughs> कि मेरे बेटे हमारे पास इस बात की रिसर्चर के पास कोई गारंटी नहीं है कि जो आपको आंसर मिल रहा है जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है रिस्पोंडेंट से वो किस हद तक परफेक्ट है तो जब इसी चीज़ का हमें परफेक्शन नहीं पता या हमें इस बात का नहीं पता वो कितनी जैनवन है ठीक है तो इसका मतलब अब इसका जो रिजल्ट है वो हद तक फिर रिलायबल नहीं हो सकता एक बात दूसरे नंबर पे मेरे बेटे दूसरे नंबर पे जो चीज़ है उसका क्या एक चीज़ हमने ये भी जेन में रखनी है कि जिन कपल्स के साथ बात कर रहे हैं या जिन फैमिलीज़ के साथ फॉर इंस्टेंस हम बात कर रहे हैं उसमें जैसे मैंने आपको पहले एज डिफरेंस के हिसाब से बात बताई अगर हमने एज डिफरेंस के हिसाब से बात बताई तो ऑब्वियसली जिसका एज डिफरेंस ज्यादा है उसका बोल उसका आंसर डिफरेंट तरह से होगा जिसका एज डिफरेंस नहीं है उनका आंसर डिफरेंट होगा तो इसमें तीन चीज़ों को आपने फोकस करना है जो इसकी लिमिटेशंस के अंदर है एक हमारे पास इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो किस हद तक वैलिड या परफेक्ट है एक भी बात तो ऑब्वियसली फिर रिलायबल नहीं होगा दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चंस आप उसको रिपीट भी नहीं कर सकते रिस्पॉन्डेंट के हिसाब से दो तीसरे नंबर पर मेरे बेटे यानी इस पर हमें इतना कुछ मिलता है यानी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें इसके थ्रू मिलती है कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि उस सारे को मेमोराइज किया जाए मेरे बेटे को समझ आगे बात की ये तीन वो चीजें हैं कि जिनको हमने जेन में रखना है अच्छा इसका सेकंड फेज क्या है बेटे हम इंटरव्यूज की बात कर रहे हैं पहले हमने क्या बात की सेमी स्ट्रक्चर्ड अब हम करने लगे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज ये इसका दूसरा पोर्शन है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आर बिल्ड ऑन अ जर्नल आइडिया रिसर्चर वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड अंडस्टैंड आर इनकरेज टू टॉक फ्रीली अबाउट द थिंग्स दे फील आर इंपॉर्टेंट वेल States that behavior is understood from the perspective of those being studied, their perceptions, attitudes, and experiences are focused. is the strength of definition. Unstructured interview is a free uh, form interview method where the objective is to get the respondent to talk without prompting. आर इंटरप्शन अबाउट वट एवर दे फील इज इंपॉर्टेंट अबाउट अ टॉपिक मेरे बेटे जैसे कि नाम से जाहिर है कि अनस्ट्रक्चर्ड है तो अनस्ट्रक्चर्ड में यह है कि आपने कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं करना कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं करने का मतलब यह है कि आपने कुछ भी प्लान नहीं करना आपने सिंपल पुट फॉरवर्ड करना है कोई भी क्वेश्चन और आपका रिस्पोंडेंट यानी उसके पास फ्री चॉइस है कि जो उसके दिल में आ रहा है और वो जो रिस्पॉन्डेंट इंपॉर्टेंट समझता है the respondent importance deliver card. iski strength. The researchers' limited input means that the data reflects the interest of the respondent. It is therefore more likely to be on accurate and detailed expression of their beliefs. Hamid used this method in their study of young Pakistani female because unstructured interview help elaborate on the topic of participants' choice marriage and sexuality and probed further their concerns these techniques avoid the problem of the researcher pre, uh, prejudicing that constitute important or relevant data the researcher must establish a strong rapport with the respondents if this rapport is achieved people who may be naturally wary of being studied can open up to the researcher allowing sensitive issues to be explored in depth hamid uh, establish a relationship with their respondent by meeting them a number of times before their research started this helped the participant to open up and discuss sensitive issues regarding se sexuality and growing up with reference to their marriage and other related topic of their choice if the research is relatively informal it can take place somewhere the respondent uh, will feel at ease such as in their own home for Hamid, दिस हेल्प ओवरकम द बैरियर ऑफ टॉकिंग अबाउट द सेंसिटिव इशूज अब देखो मेरे बेटे इसकी स्ट्रेंथ क्या जैसे हमने अनस्ट्रक्चर की बात की है तो अनस्ट्रक्चर में इस लिहाज से मेरे बेटे ज़बरदस्त हैं कि इसमें कोई चीज़ भी आपने मेरे बेटे अपनी मर्जी की नहीं यानी इसमें रिसर्चर्स सिर्फ आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करेगा और आपकी अपनी चॉइस है कि आप जो भी आंसर करना चाह रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंस किस है मेरे बेटे रिस्पोंडेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिए एक बात दूसरे नंबर पे मेरे बेटे जैसे इसका नाम है अनस्ट्रक्चर्ड है ठीक है तो इसमें उन्होंने क्या बताया यानी हमीद जो है जिसने इसके ऊपर आर्ग्यू किया और जो इसका रेफरेंस हमने मस्ट इसको यूज़ करना है वो क्या कहता है मेरे बेटे वो कहता है कि मैंने जब इसके ऊपर काम किया यानी किसके ऊपर काम किया कि मैंने पाकिस्तान की जो फीमेल्स हैं उनके ऊपर मैंने रिसर्च की कि शादी के बाद उनको किस किस्म के मसाइल दरपेश हैं या शादी से पहले जो जिनको ब्रॉटअप किया जाता है वो उसमें कुछ क्या प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसने बताया उसने कहा कि जो अनस्ट्रक्चर्ड है इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे पास क्या बहुत बड़ा बेनिफिट है मेरे बेटे ये बेनिफिट है हमारे पास कि हम हम दो से चार बार यानी जिसका हमने जो हमारा रिस्पॉन्डेंट है हम उससे पहले बातचीत करेंगे उसके साथ थोड़ा सा हमें अब एक यानी फ्रैंकली रिलेशनशिप डेवलप करने की ज़रूरत है क्यों क्योंकि जब हम कुछ इस तरह के सेंसिटिव इशू के ऊपर डिस्कस करें तो आई मीन वो शायनेस फील ना करें एक चीज़ दूसरे नंबर पे इसमें एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि ये मेरे बेटे अनस्ट्रक्टेड है तो इसमें एक ऑप्शन और भी होती है कि जिधर रिस्पोंडेंट का दिल करे हम इसको उधर ले लेते हैं अगर वो अपने घर में कंफर्टेबल है क्योंकि इस मेरे बेटे अकॉर्डिंग टू हमीद मैं उसके रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे इशूज़ हैं मेरे बेटे जो बहुत सेंसिटिव होते हैं ठीक है जैसे नॉर्मली उन्होंने इसमें बात की कि सेक्शुअलिटी की बात की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से बात की लाइफ आफ्टर मैरिज की बात की तो बहुत से इसमें ऐसे केस हैं कि हम जो थोड़े से सेंसिटिव इशूज़ हैं जिनको हम इतना ओपनली डिस्कस करना पसंद नहीं करते क्योंकि हम इसको ज़रा पर्सनल समझते हैं कि भाई हमारा ये प्राइवेट इशूज़ हैं तो हम उन पर डिस्कस नहीं करते तो लिहाजा नॉर्मली तौर पर अब आपने ये चीज़ देन में रखनी है कि अनस्ट्रक्चर्ड में हमारे जो टॉपिक्स हैं वो भी थोड़े से ओपन अप होते हैं मेरे बेटे थोड़े से ज़्यादा लिबरल होते हैं ज़्यादा वो टॉपिक्स होते हैं कि जिनको हम पब्लिकली तौर पे नहीं Karte, normally, limitations uh, unstructured interviews demand skill of both the researcher and the respondent. The researcher must resist the temptation to influence, encourage, or interrupt. The respondent must be able to express themselves clearly and understandably. The researcher by design has little control over the direction of the interview and the conversation may stray into areas that later prove irrelevant to the research this interview are time consuming in themselves but so is analyzing and interpreting all the data they generate reliability also tend to be low because the non-standardized format makes the interview impossible to replicate uh, अन की लिमिटेशन क्या हैं मेरे बेटे एक चीज़ तो यह देखिए मेरे बेटे ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एक चीज़ दूसरे नंबर पे जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया क्या बताया कि इसमें रिसर्चर जो है मेरे बेटे ना तो वो इनकरेज करता है रिस्पॉन्डेंट को अपनी मर्जी के आंसर के लिए ना इंटरप्ट कर सकता है इंटरप्ट भी नहीं करता इनकरेज भी नहीं करता यानी कभी मैंने आपको याद है पहले बताया था कि कुछ रिसर्चर होते हैं जो बाइस्ड होते हैं वो क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो अपना मकसद पूरा कर लेते हैं लेकिन इसमें क्या है इसमें ओपन आपके पास है क्या ओपन है कि रिस्पोंडेंट क्या कर रहा है तो जब रिस्पॉन्डेंट अपने हिसाब से बोलना शुरू करेगा तो ये जरूरी है कि जो स्टैंडर्ड रिसर्चर का है रिस्पॉन्डेंट का भी वो होना चाहिए ठीक है तो इसकी लिमिटेशंस में क्या है कि रिसर्चर और रिस्पॉन्डेंट का स्किलफुल होना जरूरी है ताकि वो एक बात को किसी पॉजिटिव परस्पेक्टिव के साथ लेके और कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सके एक क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है तो इट मीस हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसा डाटा आएगा इनफॉर्मेशन मिलेगी जो इनरेवेंट भी हो सकती है फिर बहुत ज़्यादा डाटा ऐसा भी आ सकता है मेरे बेटे जिसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते यानी वो एक स्पेसिफिक किसी एक फैमिली से रिलेटेड इशू हो सकता है उसको जनरलाइजेशन भी नहीं किया जा सकता ठीक है मेरे बेटे ये इसकी लिमिटेशन आ गया अब देखें अ मोर स्वीय लिमिटेशन इज द दैट ऑल फॉर्म ऑफ आर इनहेरिटेडली इनहेरेंटली बाइस्ट बा इंटरव्यू इफेक्ट Cohen and Taylor argue that the most significant of these effects is that through the act of questioning people, a series of status manipulation came into play. The outcome of this is that a respondent try to please the researcher by telling them that what they believe they want to hear. मेरे बेटे इसका एक और उन्होंने जो बताया जो सबसे swear आप कह लें कि इसके अंदर एक limitation है, वो ये है कि देखें obviously जब आप research के अंदर हैं, और for instance जैसे मैंने last time भी आपको बताया था camera on है तो आप नॉर्मली तौर पे एक परफेक्ट पिक्चर या एक परफेक्ट आंसर नहीं देना चाहेंगे ठीक है आप में बहुत ज़्यादा चांस इस बात का है कि जैसे फॉर इंस्टेंस हम किसी जेंडर के हिसाब से किसी फीमेल से बात कर रहे हैं तो मोर प्रोबेबली ये हो सकता है कि वो कुछ एक्जेजरेट कर दे देखिए भाई उसके पास इतना वायलेंस होता है उसको घर में अब्यूज़ होता है उसके पास ये भी फिजिकली टॉर्चर किया जाता है तो पॉसिबिलिटी है कैमरा देख के हमें जो एक मॉडरेट आंसर देना चाहिए हम वो शायद ना दे पाएँ ये इसकी एक बहुत स्वियर कंडीशन है या एक स्वीर लिमिटेशन है किसकी मेरे बेटे अनस्ट्रक्चर की ठीक है मेरे बेटे समझ आगे कि आप हम भी गेन करना चाह सकते हैं ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है रिस्पॉन्डेंट की बात करो और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप रिस्पॉन्डेंट जो है वो रिसर्चर को खुश करने की कोशिश करें इसलिए कि उसने किसी अपॉर्चुनिटी दिया है कि इसको यानी वो आई मीन ऑब्वियसली अलाट ऑफ पीपल आर गोइंग टू सी that particular person, I mean I'm talking about the respondent. Okay, we have completed one thing. There is <laughs> one more thing related to group interviews. group interviews? also called focus groups, involve respondents gathering to discuss a topic decided in advance by the researcher. These groups may be selected as representative samples across section of society. For example, they may simply represent a group that researcher wants to explore in detail. Nicholas suggests that focus groups may also be seen, I mean sex, and uh, from similar backgrounds to prevent gender and class variables affecting the reliability and the validity of the data. For Morgan, the effectiveness of group interview is based on an interview structure with clear guideline for the participant to avoid arguments within the group. Okay? प्री डिटर्माइंड क्वेश्चन थ्रू विच ही द एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिसिपेंट कैन बी एक्सप्लोर्ड इंटरेक्शन विद इन द ग्रुप विच गि यूनिक इन साइड इन टू पीपल्स शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ ऑफ एवरी डे लाइफ अच्छा मैं बेटे देखो ग्रुप इंटरव्यू की सबसे अच्छी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ क्या हो सकती है देखें मेरे बेटे हम नॉर्मली तौर पर यूनिवर्सिटीज जाते हैं या स्कूल जाते हैं हम उधर कोई डिबेटते हैं आप बताएं जी क्या आपके अपनी लाइफ से खुश हैं आप क्या 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 समझते हैं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी आपकी ख्वाहिश क्या है ठीक है अच्छा आप किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं आप किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहते हैं क्या समझते हैं पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा अब देखें जैसे मैंने आपसे क्या जिक्र किया कि आप ग्रुप इंटरव्यूज में फॉर इंस्टेंस आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे बेटे जिनसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं जो ग्रुप इंटरव्यू है उसमें एक चीज तो फैक्स है वेरिएबल क्या कि स्टडीज का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही है एक चीज अच्छा फिर इसमें आपको एक और चॉइस मिल जाएगी कि बोथ जेंडर्स हैव दॉर्चुनिटी टू शेयर देयर आइडियाज ये भी इसके अंदर एक हमें मिल सकती है दो बातें अच्छा फिर ये पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट बैकग्राउंड से बंदे आ रहे हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो डिफरेंट टाइप के आंसर्स करें लेकिन एक चीज़ इसमें जो है वो क्या है कि हमारा डिस्कशन जो है उसका टॉपिक हम फिक्स कर लेते हैं पहले कि आज आपकी जैसे फ्रेंड्स मैं कहता तो हूँ जी यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान तो ये हमारा टॉपिक है अब इसमें एक ओपन चॉइस है मैं आपसे पूछूंगा आप, आप कहेंगे जी पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं।, नहीं है उनसे पूछूंगा आप कहेंगे सर जी लीडरशिप ठीक नहीं है उनसे पूछूंगा क्या वो जी करप्शन बहुत ज़्यादा जस्टिस नहीं है लिटरेसी बहुत ज़्यादा है ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा तो डिफरेंट आपको एक ही जगह पे इसके आंसर मिलेंगे एक चीज़ अच्छा इसमें एक और चीज़ उसने मेंशन किया है जैसे हम टीवी पे टॉक शोज होते हैं आप उनको भी ग्रुप इंटरव्यूज कह सकते हैं पता है किस हिसाब से इस सेंस में कि देखिए नॉर्मली तौर पर अभी ये जैसे एक मूवी आई अएल एंड मूवी आई ठीक है मेरे बेटे अब इसके ऊपर मैं मेहला शायद मेरा मेरा ख्याल है दुनिया टीवी ने किसी ने भी अमिन या समाज टीवी ने किया तो उसने क्या किया कि एक उसने किस ग्रुप इंटरव्यू में एक किस बंदे को लिया एक फिल्म इंडस्ट्री के बंदे को लिया एक उसने आलिम को लिया ठीक है और एक उसने जैसे नॉर्मल किसी एक सिटीज़न को लिया लेकिन वो भी जो सिटीज़न था ओबियसली उसका यानी मेरा ख्याल है वो भी आ, मेरा ख्याल है कोई एंकर ही था शायद मेरे भी जेहन में नहीं है लेकिन बहरा मेरा पर्पज़ क्या है कि आपने देखें कि ग्रुप इंटरव्यू में आपने एक टॉपिक सामने रखा कि मूवी का क्या पर्पज़ क्या है इसको बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो देखें उसने तीन डिफरेंट जो मकतबा फिक्र है तीन डिफरेंट जो यानी बंदे हैं जो डिफरेंट फील्ड्स हैं आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया तो इससे क्या होगा जब आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे डिफरेंट बंदों से लेकिन एक ही टॉपिक के ऊपर मेरे बेटे तो आपको इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बड़ी जनरल मिल सकती है इसकी स्ट्रेंथ क्या इन ग्रुप इंटरव्यूज कैन हेल्प डिस्कशन दे कैन कंट्रोल द पेस एंड द स्कोप ऑफ द डिस्कशन इसमें मेरे बेटे एंकर का रोल या जो आपका रिसर्चर है उसका रोल बड़ा वैलिड है क्योंकि उसने कोशिश करनी है कि हम जो रिस्पोंडेंट है मेरे बेटे उनको किस पे रखें उनको एक स्पेसिफिक पेस पे रखें, वो आपस में आर्गुमेंट करना ना शुरू कर दे आपको पता है कभी कभी लाइव शोज में क्या होता है आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है ठीक है तो ये एंकर या रिसर्चर की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो उनको कंट्रोल करें प्लान देम टू फोकस एंड रीफोकस द डिस्कशन प्रॉपर टाइम दें अगर एक प, आप मेम्बर को टाइम दे रहे हैं तो कोशिश करें दूसरे को भी इक्वली उतना ही टाइम दें इंटरवीन टू आस क्वेश्चन स्टॉप आर रीडायरेक्ट एम लेस डिस्कशन और उस वक्त जब आप देखें कभी कभी हम क्वेश्चन करते हैं ना पोलिटिकल लीडर से तो वो शुरू हो जाते हैं जी वो आज से पंद्रह साल पहले जो आज से बीस साल तो आप उनको इ रेलिवेंट ना होने दें कि भाई आप उन्हें कहिए आप जो क्वेश्चन आप उसका जवाब दें आप फिर पीछे चले जाते हैं ठीक है क्रिएट अ सिचुएशन दैट रिफ्लेक्ट हाउ पीपल नेचुरली शेयर एंड डिस्कस आइडिया और जो ग्रुप इंटरव्यू है उस उसमें बंदों को आपने ऐसी एटमोसफेयर देनी दे है ऐसी इन्वायरमेंट देनी है ठीक है कि जिसमें वो बड़ी कंफर्टेबल होकर जो आपको रिस्पॉन्ड कर सकें गिब्स आ दैट वन स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैथड इज द एबिलिटी टू ड्रॉ ऑन रिस्पॉन्डेंट एटीट्यूड फीलिंग बिलीव एक्सपीरियंस एंड रिएक्शन इन अ ग्रुप रिस्पॉन्डेंट्स आर इनकरेज टू लिबरेट एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर बिलीव्स पेन मेरे बेटे इसके आर्गुमेंट है इसका रेफरेंस है स्टडी ऑफ द फियर ऑफ क्राइम यूज दिस फॉर्मेट टू जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड इफेक्टिवली अनकवर एटीच्यूड्स बिलीव एंड आइडियाज दैट वुड नॉट हैव बीन रिवील्ड बाय लेस फ्लेक्सिबल मैथड्स बटे इसका एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, है। इसमें जैसे उन्होंने क्या बोला कि इससे मेरे बेटे आप नॉर्मली तौर पर ग्रुप में जैसे मैंने बताया ना आप डिफरेंट अगर फॉर इंस्टेंस यानी बंदों को लेते हैं जो डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ से बिलोंग करते हैं तो उनसे हमें एक बड़ा ज़बरदस्त एक बड़ी डाइवर्सिटी हमें मिलेगी ठीक है हमारे पास यानी एक बड़ी मल्टीपल किस्म की हमारे पास एक पिक्चर आएगी ठीक है तो ये किसकी यानी इफेक्टिवनेस है कि हमें हर परस्पेक्टिव से उस चीज़ का आंसर मिलेगा ये इसका बड़ा ज़बरदस्त है इसकी चीज़ उसके बाद किट्स इंजर ठीक है सजेस्ट द ग्रुप इंटरेक्शन इनेबल पार्टिसिपेंट टू आस्क क्वेश्चंस टू ईच अदर ठीक है जी एज वेल एज टू रीवेल्यू एट एंड रीकिडर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस अच्छा इसमें एक और चीज जो है वो जबरदस्त उसने बताई है कि जैसे आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं आप देखिए मैं एक चीज के साथ हूं मैंने एक चीज देखी नहीं है मुझे पता नहीं तो मैं ब्लाइंडली उसका अगर आंसर करूँगा तो ग्रुप डिस्कशन मुझे एक और बड़ा फायदा ये होगा कि जब मैं किसी और जो रिस्पॉन्डेंट है उसको सुनूंगा तो उसके जरिए उसके इन्फॉर्मेशन से मैं अपने आपको अपनी जो थिंकिंग है मेरी उसको रिकंसिडर भी कर सकता हूँ अगर मेरी थॉट है किसी चीज के बारे में तो मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ ठीक है तो इस पर यह है चूँकि आपके पास डाइवर्सिटी है तो इसमें बड़ा जबरदस्त है लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी है मेरे बेटे द रिसर्च आई मस्ट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप टू अलाउ पीपल टू स्पीक फ्रीली एंड ओपनली अबाउट एन इशू वायल मेनटेनिंग द फोकस ऑफ द रिसर्च दिस गिव्स नोट्स मीन्स गुड लेवल ऑफ ग्रुप लीडरशिप एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आर रिक्वायर्ड द मोर पीपल दे आर टू कोआर्डिनेट एंड द मोर लाइकली इट इज दैट विल बी प्रॉब्लम्स विद रिसोर्सेज

क्या कह रहा है कि मेरे बेटे इसके एक्लिमिटेशन में क्या चीज आ जाती है कि एक ही लेवल के बंदों का होना बहुत जरूरी है अच्छा ये ऐसा नहीं होना चाहिए फॉर इंस्टेंस अगर हम ग्रुप स्टडीज कर रहे हैं तो 10 बंदे हैं तो फर्स्ट के दो तीन उस पे पार्टिसिपेट उस लेवल पे नहीं करते तो फिर पता क्या होगा जो 6 7 जो बाकी हैं रिमेनिंग उनका एक इन्फ्लुएंस बन जाएगा ठीक बात है तो जो हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगी तो हमें ऐसे लगेगा यार देखो ये जो दो तीन बंदे थे इन्होंने तो अपना उस लेवल पर अपना फ़ीडबैक ही नहीं दिया तो फीडबैक नहीं दिया तो थोड़ी सी किसी हद तक जो रिलायबिलिटी है उसके ऊपर फिर असर पड़ेगा और हमें ये पता चलेगा कि जैसे जो एक गरीब बंदा है जो फॉर इंस्टेंस ड्यू टू शायद है सर किसी भी वजह से अगर वो उस तरह उसपॉस नहीं देता तो फिर हमारी जो कह लें कि वैलिडिटी है वो थोड़ी सी मुतासर होगी रिलायबिलिटी भी किस हद तक मुतासर होगी ठीक है मेरे बेटे अच्छा अब एक चीज मैंने जैसे आपसे बोला कि आपने गिफ्ट को जरूर रखना है आपको ठीक है इसको जेन में। ग्रुप फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ इंटरव्यू इफेक्ट वन दैट जेनस calls group think this refers to the pressure people feel to arrive at desired outcomes such as saying that they believe the researcher wants to hear group interview also run the risk of simply reflecting a group consensus rather than revealing what individuals really believe group mm -hmm. okay. discussion जैसे मैंने आपको पता है ना कि डिफरेंट किस्म के बंदे इसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लिए शायद कंसेंसस भी ना हो और कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंसेंसस हो भी जाए तो अगर कंसेंसस हो जाए तो भी हमारे लिए बड़ी खतरनाक इस सेंस में बात है इस सेंस में बात है कि वो दस या पंद्रह बंदों के कंसेंसस जो है पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर तो अप्लाई नहीं कर सकते ठीक है मेरे बेटे एक चीज़ और दूसरे नंबर पर एक और इसमें भी बात आती है कि कई बंदे जैसे मैंने आपको पहले कहा जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो उनके अंदर इतनी करेज नहीं होती ठीक है कि वो अपने पॉइंट को अच्छे तरीके से डिफेंड कर सकें तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ग्रुप इंटरव्यू के अंदर कि जब उसके जो रिस्पोंडेंट हैं मेरे बेटे वो यानी ग्रुप की वजह से जैसे मैंने साल के तौर तो पर अभी दस स्टूडेंट्स बैठे हम एक पोलिटिकल डिस्कशन कर रहे हैं ठीक बात है तो पॉलिटिकल डिस्टिकशन कर रहे हैं सात बंदों ने क्या किया जी हम इस स्पेसिफिक पार्टी के साथ हैं इसने ये काम किया ये करिए ये करिए ये, कर ये। तो जनरली जो तीन बंदे हैं चूंकि वो मिनोरिटी में आ जाएंगे तो फिर वो इफेक्टिवली डिफेंड नहीं कर सकेंगे एक ये फैक्टर भी हो सकता है दूसरे नंबर पे किसी हद तक चूँकि मैं पाकिस्तान के इन्वॉयरमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ ये भी हो सकता है कि देखें अगर कोई बंदे जो कमांडिंग पोजीशन में है आप उनको देखेंगे भाई इनके पास तो पर्सनल स्किल इंटरपर्सनल स्किल बड़ी ज़बरदस्त है तो मैं अगर आंसर भी करना चाहूँ तो ये तो इतने बंदों में के सामने मुझे इंसल्ट कर देगा तो फिर हेजिटेशन भी आ जाएगी तो ग्रुप के अंदर रिसर्चर का भी इंटरपर्सनल स्किल होनी बहुत ज़रूरी है रिस्पॉन्डेंट की भी इंटरपर्सनल स्किल होनी बहुत ज़रूरी है शायनेस नहीं होनी चाहिए हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए लेकिन होता ऐसे है मेरे बेटे कि जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो कुछ बंदे बीच में ऐसे ज़रूर होते हैं कि जो उस तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मेरे बेटे आज हमने क्या कम्प्लीट कर लिया आज हमने क्वालिटेटिव में मेरे बेटे ठीक है क्वालिटेटिव के अंदर जो हमने इंटरव्यू uh, वाला सेक्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया अब हमारी दो चीज़ें इस पर रह गई हैं एक इसके ऑब्जर्वेशन रह गया और एक इसमें केस स्टडीज़ रह गया इन शाला अगले दो से तीन लेक्चर्स के अंदर मेरे बेटे हमारे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है फिर हम उसकी अच्छी सी रिवीजन भी करेंगे और चैप्टर के एंड में मेरे बेटे फिर हम क्या करेंगे कि पूरा का पूरा इंग्लिश का सेशन रखेंगे ठीक है जिसमें आपने क्वेश्चन आंसर करेंगे हम रिविजन भी कर लेंगे और साथ थोड़ा सा मैं आपको टिप्स भी दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आए मेरे बेटे हम उनको किस तरह से मार्क्स के हिसाब से अटैम्प्ट कर सकते हैं जजाकला मेरे बहुत चुके हैं